अरे ये पोडियम उधर करवा लो ना थोड़ा सिद्धार सर। अरे यार करवा लो, बोल चुके डायरेक्टर साहब, बोल चुके डायरेक्टर साहब, ये बस करवाओ ना थोड़ा, इनको बुलाओ ना इनको, सफेद शर्ट आज वो डायरेक्टर साहब बोल चुके, बुलाना इनको सर। आदरणीय श्रीमती दीप्ति कौर मुखर्जी जी, माननीय मंत्री खेल युवा कल्याण, यार स्थिति खराब है, आदरणीय देवी सज्जनों, माननीय मंत्री खेल युवा कल्याण मध्य प्रदेश, आदरणीय यशोधरा राजे सिंधिया जी से आप स्वागत के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री और सभी खिलाड़ियों तथा ऑफिशियल्स के लिए भाई केवल पूरा आ रही है, क्या करूँ यार, पता केवल आ रही है भाई, सबकी मेरे तो हाइट कर ली देख, अरे गलत बात है तुम्हारी, कसम से आगे पकड़ लिया कैमरा, जब से तेरे को मेरे हो रही है भाई, अब आगे तो इसी के मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से, पर मैं सिर्फ यही बताना चाहूंगी पीछे पूरा जो सुन रहे मेरी बात फूल लगाना है मेरा माइक के प्लेयर है, ये जो उत्तराखंड खान का फेल है सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से है, उनने ही मंशा बताई कि ये ऐतिहासिक काम को फिर से हमें रिस्टार्ट करना है, और 3 साल ये काम हम लोगों ने चलाया, 2 साल कोविड की वजह से हम नहीं चला पाए, और फिर उनकी मंशा थी जब हमारी रिव्यू चल रही थी कि अरे अब्दुल्ला खान का तो आप लोग फिर से चला, तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी ही वजह से हम लोग यहाँ आज हैं, 10-12 टीम पूरे देश से आई है, और हमारे ओलंपियन समीर गार्ग अब हमारी अकेडमी को देख रहे हैं, आपके नेतृत्व में हमारी यंग हॉकी अकेडमी सब जूनियर और जूनियर दोनों ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चैंपियन बन गए, तो आपका सब जूनियर चैंपियन है और आपका जूनियर देखना चाहेंगे कि समीर की बात क्या होगी और हम कैसे अपने बच्चों को खिलाएंगे ताकि यहाँ भी वो जीत हासिल कर सके, और कुछ न कहते हुए मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ इस मंच से कि आपके व्यस्तता समय से आपने हमारे लिए और हमारे हाथी के लिए कुछ समय निकाला, आपकी मंशा है कि भोपाल एक हॉकी का हब बने, इस वजह से आपने हमें पैसा दिया है नागपुर के लिए जहां हमारे 2 हॉकी क्लब आएंगे, इस हॉकी क्लब के साथ साथ सीपीए की जो जमीन है हमारे साथ लगी हुई उसको भी आपकी वजह से हमें मिल रहा है जिससे हमारी सेकंड क्लब आएगी, ऐसे करके 2 क्लब यहां लगेंगे, 2 क्लब नागपुर के यहाँ लगेंगे और 1 और क्लब आपकी ऐशबाग में लगेंगे, तो ऐसे करके 5 आपके हॉकी क्लब बनेंगे यहाँ, और जैसे रहमान साहब और जलालुद्दीन साहब के जो हमारे कुछ फैसे नहीं आ रहा है, और एक नौकरी होनी चाहिए। अरे कैमरा कौन है वीरू, कैमरा पीछे कर, वीरू वीरू कैमरा आ रहा है यार, चले घर मत जा, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट कर ले यार भाई, सिर उधर कर, सिर ओलंपियंस हमारे बीच आपका उत्साह बढ़ा आए हैं, इनाम उर रहमान साहब, जलालुद्दीन साहब, हमारे कोच सुनील दास जी, सभी मेरे खिलाड़ी पूरा दबाव
हेरिटेज कप में भाग लेने आई है, उनके सभी साथी खिलाड़ियों में। सबसे पहले मैं भोपाल जो कभी हॉकी की नर्सरी रहा है और अब फिर नर्सरी बनाना चाहते हैं, तो हॉकी की नर्सरी भोपाल की इस पवित्र धरती पर आई हुई सभी टीमों के सर तो इधर कर ले कैप्टन कोच लाइट ये वीरू का वार है मेरे सुनने के लिए। हॉकी भोपाल की भी शान है और हॉकी भारत की जनता का सम्मान है। एक जमाना था तब अगर ओलंपिक मेडल लाते थे तो केवल हॉकी में लेके आते थे। बस आज भी छमका है हमारे खिलाड़ियों में, अगर ठीक ढंग से सुविधाएं उपलब्ध करा दें, कोचेज उपलब्ध करा दें, प्रोत्साहित करें, तो भारत एक बार फिर से हॉकी में सिरमौर बन सकता है। और इस मामले में इतनी कह रहा हूं, मध्यप्रदेश गंभीर है, विवेक जैसे हॉकी के प्लेयर हमारे प्रदेश से निकल रहे हैं और अब हॉकी कप चैंपियंस भी। हॉकी का मान बढ़ाने के लिए हम सब खिलाड़ियों को मैं बहुत बधाई देता हूं और एक ही बात कहता हूं, लंबी बात मुझे भी नहीं करनी। यशोधरा जी आपके कुशल मार्गदर्शन खेल बढ़ते रहे, हॉकी बढ़ती रहे। इतना मैं वचन अपने भांजे भांजियों को देता हूं कि सुविधाओं में हम कोई कमी नहीं आने देंगे। सुविधाएं साधन कोचेज आवश्यक व्यवस्थाएं करते रहेंगे। अभी मैडम ने अभी बताया कि एक भी पांच पांच एस्ट्रोटर्फ भोपाल में लगाई जा रही है। जो भी जरूरत होगी कच्चों पूरी करेंगे। भोपाल लगातार भोपाल बढ़ेगा, हमारा देश भी बढ़ेगा। अब आगे बढ़ते रहे, मेरी दिल्ली चलती और फिर लड़का कप 1931 में स्थापित हुआ था। 91 ईयर्स हो गए, बीच में बंद हुआ था। मैं जब पहले मुख्यमंत्री था तब मैंने प्रारंभ किया था, कोविड के कारण फिर नहीं हो पाया। आज मेरा मन आनंद और प्रसन्नता से भरा है कि आज फिर से ये प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 21 से लेके 27 मार्च तक चलेगी और हॉकी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम करेगी। एक बार मैं फिर आई हुई सभी टीमों का खिलाड़ियों का हृदय से स्वागत करता हूं। खेल से संबंधित कोचेज हो, सुविधाएं जुटाने वाले बाकी साथी हो, मैं सबका हृदय से स्वागत करता हूं और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजित होगा। मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी के खिलाड़ी हैं श्रीमद धनराज सिंह, अमान खान, तेलम प्रेबरता, सौरभ पसीने, काशिफ खान, सुंदरम सिंह रजावत, अनिल सद्दाम अहमद, लव कुमार कन्नौजिया, कोनिन दाग, हिमांशु सैनिक, रजत, दीपक शर्मा, हैदर अली, श्रेया दुबे, अली अहमद, मुदस्सर कुरैशी, हारनाम जोंग, इंग्लैंड का लुवांग, समित दास साहब इस टीम के कोच हैं, असिस्टेंट कोच हैं लोकेंद्र शर्मा जी और मैनेजर हैं डॉक्टर हबीब हसन साहब। दूसरी टीम जिसके साथ इस टूर्नामेंट की शुरुआत हो रही है वो है चेन्नई की टीम। चेन्नई की टीम में श्री अरविंद, श्री विनीत राजाजी, सतीश राजा, प्रभु सिल्वा कुमार, रोशन फर्नांडस, तमिल अरासन, बालाजी जॉन, हसन पाशा, इनोसेंट मुंडा, थंगा पांडे, मुरुकेश, शाहबाज खान, जेम्स, मर्विन जॉय और सुरेश बाबू खिलाड़ी हैं। मैनेजर हैं आर सत्य राजन जी और पियर एलन राजेश जो हैं वो कोच हैं इस टीम के। दोनों टीमों का बहुत बहुत स्वागत।
अब ऑफिशियल्स कमान संभालेंगे इस मैच की और कुछ ही क्षण पश्चात ये मैच यहाँ आरंभ होने जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी से विनम्र आग्रह है कि जब दोनों टीमें प्रवेश करें और संभालें जोरदार तालियों से इस टूर्नामेंट की शुरुआत